एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद एम। और आज अभी चल रही है मेरे लंच की तैयारी, और लंच में बनने वाला है वो जो कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स लौकी बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं बना लेती हूँ। और ये हेल्थ के लिए भी सही रहती है, मतलब लाइट फूड ही बोल देते हैं इसको। इसका सूप बना के पियो, कैसे भी पियो। तो ली तो मैंने एक्चुअली सूप के लिए थी, लेकिन वो क्या हुआ कि मैं सूप नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब्जी बना लेते हैं। इसकी थोड़ी सी है तो सब लोग खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी लेके भी। और ये आदत क्या हम लोगों को डालनी पड़ेगी, बच्चों को खिलाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, अभी मैं लौकी साफ कर ली हूँ, काट ली हूँ, और अब करते हैं लंच की तैयारी। चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पे लंच की तैयारी। आटा तो लगा के रख दिया, रोटी बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पे सब्जी फ्राई कर लेते हैं। तो बस मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाला है जीरा, राई, हींग और ये हरी मिर्ची, लहसुन। लहसुन से क्या है, सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट और खुशबू इसकी चेंज हो जाती है, तो अच्छी लगती है। और लौकी की सब्जी में तो वैसे भी ये लहसुन अच्छा लगता है। तो बस अब ये साफ धुली हुई लौकी डाल दी, एक बार हल्के से इसको भी तेल में फ्राई कर दूंगी। इसके बाद में मैं डाल दूंगी अपने सारे मसाले जो भी रहते हैं, और बस लास्ट में एक टमाटर और ये सब्जी मसाला सबसे लास्ट में डालूंगी। और अब वेट करते हैं इसके बनने का, और जैसे ही बनती है उसके बाद वो हरा धनिया ऐड कर दूंगी इसमें। तो चलिए सब्जी को बनने देते हैं, तब तक हम हमारे और काम फ्री कर लेते हैं। और आज देखो ये मेरे से क्या बड़ा नुकसान हो गया। ये देखो, ये मेरी हांडी थी, इसमें मैं नमक डाल के रखती थी, टूट गई ये। 8-10 साल से मेरे पास बिल्कुल सेफ रखी हुई थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे क्या टूट गई। कोई बात नहीं, चीनी मिट्टी का बर्तन है, टूटता रहता है। और लेके आ जाएंगे हम सेम टू सेम ऐसी की ऐसी। तो ये क्या, मेरे पास मावा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ज़्यादा टाइम का हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा दूध मिक्स कर दिया, और दूध मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा दूध मसाला डाल दिया, जिसमें कि सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रहते हैं और थोड़ा सा कलर वगैरह रहता है। और ये साथ ही साथ में डाल दी मैंने यहाँ पे केसर पिस्ता वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं, तो केसर तो इसमें डलेगी। और बस इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा और मिक्स कर दिया। और ये मैंने कढ़ाई लोहे की ली है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो रहता है, मतलब अच्छी बनती है, जो दूध वगैरह गर्म होना करना ये बहुत अच्छे से होता है। और इसमें देखो मैंने और दूध मसाला ऐड कर दिया ढेर सारा, क्योंकि दूध मसाले से क्या इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक जैसे एक एक सार हो गई ना सेम, तो फिर उसके बाद में मैंने चीनी डाल दी और ये हो गया। चलिए फाइनली हमारी कुल्फी भी हो गई है तैयार, अब हम इसको होने देंगे ठंडा और फिर उसके बाद में रखेंगे फ्रीजर में। ये दो बॉल भर के हो गए, अब होने दूंगी मैं इनको ठंडा और उसके बाद में रखूंगी फ्रीजर में। हमने जो कुल्फी का मिक्सर बनाया था वो ठंडी हो गई, लेकिन अब जब कुल्फी का नाम है केसर पिस्ता कुल्फी, तो पिस्ता भी तो डालना पड़ेंगे ना हमें। तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिस्ता, ये इसमें मैंने डाल दिया पिस्ता। एक बार फिर से मैं इसको, अब इनको ले जाके रख देते हैं फ्रीजर में। चलिए कुक किचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो फिलहाल फ्री हो गए, रात के डिनर की तैयारी भी हो गई है, और अभी दोपहर वाला खाना भी फिनिश हो गया है। तो आज हम लोग करते अपने फेस की केयर। और ये आप लोगों को पता है कि मैं लेके आई थी ये मास्क, तो इसको मैं सोच रहा लगा लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट मैं अपने जो ये क्लिनजिंग मिल्क होता है ना, उससे अपने फेस को थोड़ा रब करके थोड़ा सा क्लीन करूँगी, और उसके बाद में मैं इसको लगाऊंगी मास्क को। तो फटाफट से चलिए कर लेती हूँ अपने फेस को क्लीन। ये क्या होता है, जो क्लिनजिंग मिल्क होता है ना, उससे अपने फेस को थोड़ा बिंदी हटानी पड़ेगी, इससे थोड़ा सा ये क्लिनजिंग मिल्क लगाते थे तो फेस से क्या वो डस्ट होती है ना वो हट जाती है। तो अपने जो ये वाले जो एरियाज होते हैं थोड़े से डार्क वाले, इसको थोड़ा सा अच्छे से रबिंग करनी है। पानी भी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी पानी नहीं ले रही इसमें, थोड़ा सा पानी के हाथ करके, लेकिन क्लिनजिंग मिल्क को ऐसे ही थोड़ा सा प्योरली ही पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। और तब तक इसको रब करना है, मतलब 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे गाल वाले साइड को ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करके करना है, लेफ्ट और राइट वाले गाल को भी सेम पोजीशन, और ये जो चिन वाला एरिया है उसको यूं लेके जाना है। तो चलिए फटाफट से मैं रब कर लेती हूँ, और ये नोज पे साइड के गाल पे मतलब सब अच्छे से रब करना है, उसके बाद में ये अब्सॉर्ब करनी है पूरी अच्छे से क्रीम। मिरर है ना, उसमें देख के अपना फेस देखती हूँ। जब तक कांच पे मैं अपने आप को देख के खुद फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करूँ, जैसे लिपस्टिक हो, काजल हो, बिंदी हो, कुछ भी हो, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कांच में देख के अपना फेस रब कर लूँ। देखिए स्किन कितनी ड्राई थी, फटाफट इसने ना फटाफट एब्जॉर्ब कर लिया इसको।
ये जो क्लींजिंग मिल्क रहता है ना, इसने फटाफट इस स्किन को देखो कैसे किस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। और अभी टिश्यू से हल्का हल्का टैप टैप करके, ज्यादा स्ट्रांगली रब नहीं करना है, बस हल्का हल्का ऐसे टैप करके। चलो अब बारी आती है इस फेस मास्क को ओपन करने की। तो बस इसको मैंने ओपन कर लिया है, बहुत ही टाइट है और ये जेल जेल जैसा लग रहा है और इसमें से क्लॉथ टाइप का निकलेगा, मतलब मास्क जो कपड़े वाला जो मास्क रहता है ना वो निकला है इसके अंदर से। और ये रहा हमारा एलोवेरा का मास्क। अब इसको अनफोल्ड करना है, ये फोल्ड हुआ आता है, इसको बहुत थोड़ा स्टिकी स्टिकी है तो थोड़ा सा केयरफुली इसको अनफोल्ड करना है। तो इस तरह से ये कुछ कपड़े के टिश्यू टाइप का जो रहता है वैसे उसी टाइप के मटेरियल का है ये, और इसमें जेल से भरा रहता है। और इसको क्या, इसको जैसे चेयर पे बैठ के लगाना चाहिए था मुझे, लेकिन बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे खड़े, थोड़ा खड़े में लगा रही हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में। और बस इसको थोड़े से होल्स बने हुए जिससे अपनी आईज़ नोज़ और मुंह वाला पार्ट थोड़ा सा वो रहे, बस इसको अच्छे से प्रेस कर करके अपने चिपका लेना अपने फेस पे। ये लग गया है मेरा मास्क और अब मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम इसको हटाएंगे। मुझे इस मास्क को लगाए हुए हैं 20 मिनट हो गए, उतारने का मन नहीं कर रहा था लेकिन इसको एक उतारना ही तो पड़ता है, 10 से 15 मिनट का ही वो रहता है। तो इसको मैं उतार रही हूँ क्योंकि उतारने का टाइम भी हो गया इसका। और बस उतारते ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था पूरा फेस जैसे बहुत हाइड्रेट टाइप का हो गया हो। और बस और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जेल रह गया था बस उसी को मैं रब करके मिटा रही हूँ यहाँ पे। सच में पहले तो वो फेस बहुत डिहाइड्रेट लग रहा था, लेकिन इसको लगाने के बाद ऐसा लग रहा जैसे स्किन को बहुत सारा पानी मिल गया और बहुत स्मूथ स्किन हो गई है। सही है, ये लगा सकते हैं यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसको अब लगाया करें। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टिकी है, इसको रहने देती हूँ, इसको ऐसे ही रब कर करके स्किन में थोड़ा सा कर लेती हूँ, ऐसे हो तो गया ये पूरा। मास्क हटा के मैंने किया कि जो टिश्यू पेपर होता है ना इसको फिर से वापस से हल्का हल्का यूं इस टाइप से टैप कर करके इसका जो एक्स्ट्रा जो वो रह जाता है ना जेल वो हटा लिया। फेस तो अच्छा लग रहा है इससे। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे डिनर के टाइम पर। आज डिनर में बन रहे हैं उत्पम, तो इसके लिए मैंने क्या, ये सूजी को पहले ही दही में भिगो के रख दिया था। बस अब प्याज हरी मिर्च काटूंगी और नमक बाद में मिक्स करूंगी और उसके बाद में है ना करूंगी डिनर की तैयारी। और बहुत लंबा भी हो गया व्लॉग और अभी तो क्या एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो इसी के साथ मैं यहीं पर व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।